नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। इस वक्त रीवा जिले से बड़ी खबर आ रही है। रीवा में फिर हुई देश के चौथे स्तंभ को डराने की साजिश। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने दिलाई जान से मारने की धमकी। पत्रकारों के पीछे लगाए अपने गुर्गे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने पहले तो सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों का अपमान किया, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। जब पत्रकारों ने विधायक की कृत्य का विरोध किया तो अब सत्ता के लोभ में मदहोश विधायक द्वारा पत्रकारों पर हमले कराए जा रहे हैं। झूठे मामले में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले इस देश को शायद गर्त की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि अगर ऐसे ही पत्रकारों पर हमले होते रहे तो एक दिन लोकतंत्र खतरे में होगा। साथ ही अत्याचार और भ्रष्टाचार बहुत आसानी से फल फूल रहा होगा और ये देश उस वक्त मूक दर्शक बन के सब कुछ चुपचाप देख रहा होगा। दरअसल पत्रकारों पर हमले वही लोग करते या करवाते हैं जो कि बुराइयों में डूबे हुए होते हैं। ऐसे लोग दोहरे चरित्र के जीवन जीते हैं। वजह साफ होती है कि मीडिया पे अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। आखिर सच्चाई लिखने वाले पत्रकारों को क्यों मारा पीटा जाता है? क्या हमारे देश का चौथा स्तंभ अब सुरक्षित नहीं रहा? हर बार दिखावे के तौर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है मगर उसका असर देखने को नहीं मिलता। आखिर इसकी जवाबदेही कौन देगा कि जब पत्रकार प्रभावशाली लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं तो उन्हें उसकी कीमत जान देकर क्यों चुकानी पड़ती है? मऊगंज में पत्रकारों पर हमले की कोशिश की गई लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन ने अपनी क्या भूमिका निभाई, इसकी जवाबदेही कौन देगा? जब पत्रकारों की सुनवाई नहीं है तो आम जनता तो बहुत दूर की बात हो गई। पुलिस प्रशासन क्या अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कि अब मऊगंज में पत्रकार पूरी तरह सुरक्षित है? मैं वंदन करता हूँ उन कलम के पुजारियों का कि आज भी इन्होंने अहिंसा को जिंदा रखा है। आज गांधी जी की वो बात याद आ गई, अहिंसा परमो धर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज 28, राजीव तिवारी। क्या हुआ भाई साहब, आपके पास क्या दिक्कत थी आपको आज रीवा आए हैं? जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम लोग मऊगंज से बिलोंग करते हैं, मऊगंज के पत्रकार हैं और हम लोग एक कवरेज में गए थे कल के डेट पर पिपराही के साइड में, एक मनुहाई जगह है वहाँ पर विधायक जी द्वारा जो है तो हम लोगों को धमकाया गया कि आप लोग देख लेंगे और उसके बाद फिर और कई घटनाएं हुई। बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब तक हम लोग मतलब पॉजिटिव खबर चलाते हैं तब तक विधायक जी के मतलब कहते पत्रकार के यही जनता के सवाल में जहाँ पर हम लोग पूछ रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता काफ़ी नाखुश है और हम लोग उनके कार्यक्रम में कई कार्यक्रम में यह कवरेज करके दिखाया भी, इससे विधायक जी जो है तो नाराज है और धमकी भी दी गई है। इससे पहले आप किस कार्यक्रम में कवरेज किए थे, कहाँ के? इसके एक थोरिहा ग्राम पंचायत में हम लोगों ने कवरेज किया था जिसमें जनता की आवाज़ हमने उठाया था और जनता काफ़ी नाखुश थी। विधायक जी के विरोध में जनता ने बोला था, वही हम लोगों ने दिखाया। इसके बाद तीन दिन ग्राम पंचायत मुनाही जो पिपराही के पास है वहाँ हम लोग गए थे कवरेज करने। तो जब विधायक जी से जनता से जुड़ी सवाल पूछा तो विधायक जी ने बोला कि आप लोग कौन हैं, बताया कि हम लोग विराट वसुंधरा से हैं और दूसरे न्यूज़ चैनल से हैं। बोला ठीक है, हम देखेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि विधायक जी धमकी भरा ये बयान है कि देख लेंगे। इससे तो हम लोग बात भविष्य के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कि उनकी सरकार है, उनका ये भी कहना है कि उनकी सरकार है और कभी भी हम लोगों के खिलाफ मुकदमा करवा सकते हैं या मरवा पिटवा सकते हैं। जब हम लोग वहाँ से चले भी हैं तो दो तीन लोग एक मोटरसाइकिल में बैठ के आए थे मुँह बांध कर और बोले कि अगर विधायक जी के खिलाफ खबर आप लोगों ने चलाया तो हम सीधे ऊपर पहुंचा देंगे और ऊपर से ही फिर खबर छापना। तो हम लोग डरे सहमे हुए, इसलिए आज हम यहाँ लोग हम लोग आए हैं ज्ञापन देने कि अगर भविष्य में कुछ हम लोगों के साथ थाने में अपराध पंजीबद्ध होता है या मारपीट होती है, ऐसी कोई घटना होती है, जिसके जिम्मेदार विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल होंगे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ चल रहा है कुछ उनके चाटुकारता करने वाले पत्रकार मऊगंज में है? वो पत्रकार हैं, वास्तविक हैं या फिर ऐसे विधायक की चाटुकारता करने वाले हैं जो सिर्फ विधायक के आगे पीछे घूमते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में चलाते हैं? थाने तक उनकी दलाली और विधायक जी तक है। कुछ रीवा से भी जुड़े पत्रकार हैं, कहते हैं अपने आप को, हमको नहीं पता जो जिस तरह से व्हाट्सएप में चल रहा है तो उन्हीं की चाटुकारता करने वाले। तो ये चल रहा है आप लोगों को फंसाया जाएगा, आप लोग फर्जी हो, तो क्या फर्जी हो आप?
आईडी देख ले हम लोगों की, सामने दिखाई दे जाएगा। नहीं तो विधायक जी पत्रकार सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनके लोग बांटते हैं, कौन बांटता है? पत्रकार होने का सबूत कौन देगा? सवाल यही है कि जब तक हम लोग उनके पीछे मतलब उनकी पॉजिटिव खबरें दिखाते थे तब तक विधायक जी नहीं पूछ रहे थे कि आप लोग पत्रकार हो, उनके साथ की खबरें हैं कई है। और आज जब मतलब जनता से जुड़े जनहित के सवाल हम लोग कर रहे हैं तो विधायक जी पूछ रहे हैं कि आप पत्रकार हो, आपका पता कराएंगे। पांडे जी आपका अखबार है क्या? हाँ हमारा अखबार है। आप अखबार के संपादक हैं। आपका सर्टिफिकेट विधायक जी देंगे या उनके लोग देंगे, कौन देगा? विधायक को भारत संचार देती है और विधायक और विधायक या मंत्री भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनता की आवाज को दिखाते हैं, सच क्या है, आपने 4 साल में क्या काम किया है। अगर उनकी हम चाटपारता करते, काम नहीं हुआ जमीन पे और कहते नहीं बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, तो उसके लिए हम हीरो होते। वो कभी ना पूछते कि आप किस चैनल से हैं, आप किस पत्रकारिता किस चैनल से कर रहे हैं। हम लोगों की हित की समस्याओं को लोग बोलते हैं, उसको दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और मनोहई गाँव में उन्होंने कड़े तेवर से कहा और धमकी भी दी। और जैसा कि आपको सुखमन जी ने बताया कि लगभग पिपराही के बाद निकलने पर 6 बजे के आसपास 3 नकाबपोश मोटरसाइकिल में आते हैं और उधर गाड़ी खड़ा करा के धमकाते हैं कि अगर आज के बाद आपने विधायक के खिलाफ निगेटिव खबर निकालोगे तो आप जान से जाओगे और ऊपर जा करके वहीं से रिपोर्टिंग करना। विधायक जी ने अपने कार्यक्रम में भाषण में कुछ दलालों का जिक्र किया है, क्योंकि विधायक जी के कुछ दलाल हैं जो उनकी चाटपारता करते हैं, तो वो उनको लिए किया है, हम दलाल नहीं है, इसलिए उस चीज को विधायक जी अपने दलालों के लिए कहे। अपने दलालों के लिए कहे, क्योंकि हम दलाल तो है नहीं। अगर हम दलाल हैं, कोई नहीं, तो हम क्यों अपने आप को ले दलाल? विधायक जी के दलाल हैं, वो दलाल पाले हुए। अपना नाम बता दीजिए। विपिन पांडे, बघेली मऊ समाचार संपादक। आप नाम बताइए। मिथिलेश त्रिपाठी, इंडिया रिपोर्टिंग न्यूज से। आप बताइए। सुकुमार मिश्रा, विराट वसुंधरा मऊ। चलिए ठीक।